हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले ये मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व जमा नाम। जो ये सर्व होता है, इसका अर्थ होता है सब, और जो ये नाम है, नाम का अर्थ है किसी का भी नाम, किसी का भी नाम। और हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो किसी के नाम के बदले आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल देके बताऊंगी। जैसे ये जो चित्र है, ये श्री राम जी का चित्र है। वे दशरथ, अब हमने यहाँ लिखा कि वे दशरथ के पुत्र थे। नेक्स्ट है, अपने पिता की आज्ञा मानकर वे 14 वर्षों के लिए वन में गए। वन में अनेक राक्षस उनके द्वारा मारे गए। लंकापति रावण उनकी पत्नी सीता को हरकर ले गए। उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, वानर सेना ने उनके साथ थी। वानर सेना ने उनके लिए समुद्र पर पत्थरों को पुल बनाया। उन्होंने रावण का वध किया, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड कर रही हूँ मैं, जो ये रेड कलर से लिखे हुए हैं और ब्लू से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये जो वर्ड्स हमने श्री राम जी की जगह लगाए हैं, ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात हमारा कहने का अभिप्राय है कि जो इसकी डेफिनेशन ये होगी, इसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने श्री राम शब्द की जगह वे, अपने, उनके द्वारा, ये हमारे सेंटेंसेस में यूज़ किया। तो आगे पढ़ते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो हम इसको वन बाय वन मैं इनकी डेफिनेशंस बताऊंगी आपको और इसे क्लियर करूंगी। जैसे फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक सेंटेंस है, आदम कहने लगा, तुमने देखा गांधी जी ने अखबार पढ़ा, मैंने उन्हें कैसे मनाया। इस वाक्य में 3 सर्वनाम हैं, जैसे कि मैंने, तुमने और उन्हें। जो मैं है वो कहने या बोलने वाले के लिए है, और जो तुम होता है वो सुनने वाले के लिए है, और जो उन है वो अन्य पुरुष है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के लिए कहे जाए उसके लिए प्रयुक्त हो, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, और थर्ड है अन्य पुरुषवाचक। तो इसकी वन बाय वन क्लियर करूंगी मैं। उत्तम पुरुषवाचक में जैसे एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है, मैं दुखिया हूँ महाराज, मेरे प्राण संकट में है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इन वाक्य में ये जो मैं, मेरे, और यहाँ पर मैं जो दे रखा है, ये जो मैं और मेरे शब्द है ये बोलने वाले के लिए हैं। बोलने वाला मीन्स जो कहने वाला है, अपने लिए प्रयोग किए हैं। ये तीनों ही उत्तम पुरुषवाचक है। बोलने वाला जिन शब्दों के लिए अपने लिए प्रयुक्त करे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें, ये सभी उत्तम पुरुषवाचक है जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम में जैसे तुम्हारी माँ बीमार है, तुम तमाशा देख रहे हो, यह सुन उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तो यहाँ पर जो ये तुम्हारा और ये जो तुम है शब्द बोलने वाले ने सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए हैं। ये तीनों ही मध्यम पुरुषवाचक है। बोलने वाला जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करेगा वे मध्यम पुरुष होंगे। जो हमने पहले पढ़ा, इससे पहले जो हमने देखा, वो था हमारा उत्तम पुरुषवाचक जो कहने वाले के लिए होता है, और मध्यम होता है जो सुनने वाले के लिए है, और अन्य पुरुषवाचक में हम पढ़ेंगे जो किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे यह टोकरी उठाए खेत की ओर जा रही है, तो यहाँ ये टोकरी जो है इस लड़की की बात कर रहे हैं, ये अन्य है, वह टोकरी उठाए खेत की ओर जा रही है। इस वाक्य में वह शब्द बोलने वाले ने अन्य के लिए प्रयुक्त किया है, अतः
अन्य पुरुषवाचक है, बोलने वाला जिन शब्दों का ना तो सुनने वाले के लिए प्रयोग करेगा और ना ही कहने वाले के लिए, अन्य के लिए यूज होगा, उसे अन्य पुरुषवाचक कहेंगे। जैसे इसके लिए वह, उसने, वे, उन्होंने, उन्हें, उसे। इसी तरह हम सेकंड पढ़ेंगे इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे दे रखा है आपको, यह मेरी घड़ी है, यह राम का विद्यालय है। तो यह जो होगा इसमें और वह राम का विद्यालय है, तो यह और वह जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता है, मतलब उसकी तरफ इशारा करता है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता है, कि जिसमें श्योरिटी होती है कि हाँ ये ही, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक होते हैं जिसकी तरफ इशारा करते हैं। तो थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसकी तरफ कोई इशारा नहीं होगा। जैसे हमने देखा तिवारी जी के साथ कोई साहब आए हैं, तो यहाँ पर कोई से क्लियर नहीं हो रहा कि कौन आया है। वे हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं, तो ये क्लियर नहीं है कि वे हाथ में क्या पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कोई और जो कुछ है वो विशेष वस्तु या व्यक्ति का निश्चय नहीं हो पा रहा इसमें। तो जो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा ये होगी, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करें, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं को, किसी को आदि, ये इसके उदाहरण हैं। तो आगे हम फोर्थ पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो अभ्यास करेगा सो अवश्य जीतेगा। तो यहाँ पर एक का दूसरे के साथ लिंक दे रखा है। जैसे अगर जो अभ्यास करेगा, जो मेहनत करेगा, सो अवश्य जीतेगा, उसको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस वाक्य में जो और जो, जो और सो शब्द आए हैं जो दो सर्वनामों में संबंध बता रहे हैं। जैसे कि जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जैसा बोया वैसा काटा। तो इसमें किसी का किसी के साथ संबंध। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिन्होंने, जैसा, जिसने आदि। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे प्रश्नवाचक में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे पीछे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा, कुर्सी पर कौन बैठा है, इसमें प्रश्न की सेंस होगी, क्वेश्चन की सेंस होगी। तुमने आज क्या पढ़ा है, राम की जेब में क्या है। तो यहाँ पर कौन, क्या, ये सब जो है ये प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं। जिन, अर्थात इसकी परिभाषा ये होगी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किससे, किससे आदि। इसके बाद है छठा, सबसे जो हमारा लास्ट है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, गांधी जी अपने पत्रों को का जवाब अपने आप देते थे। तो यहाँ पर अपने आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। निज का मतलब होता है स्वयं, क्योंकि ये वाक्य की कर्ता के साथ अपनापन बतलाते हैं और अपनापन बतलाने के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपको एग्जांपल में आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि दिए जाएंगे। और आप शब्द का प्रयोग जैसे यहाँ पर आदर सूचक के रूप में भी किया जाता है। और इसी तरह जैसे आप कब आए, तो ये मध्यम पुरुष है। आप सुरेश के पिता हैं, तो सुरेश के पिता कोई अन्य होंगे। और जैसे मैं ये चित्र अपने आप बना लूँगा, तो ये जो आप होगा ये निजवाचक सर्वनाम होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा और सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा है। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो सबके नाम के बदले आते हैं। और सर्वनाम के हमने 6 भेद पढ़े। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।